दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा वो भी हमेशा के लिए आजकल ज्यादातर लोगों की स्किन जो है रूखी सूखी बेजान डल सी हो गई है पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स झाइया समय से पहले चेहरे पर जो है फाइन लाइन रिंकल्स आ जाते हैं ये सारी परेशानियां जो है उम्र से पहले ही आजकल देखी जा रही है और तो और हमारे स्किन में जो है हाइड्रेशन नहीं रहता है हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती चाहे कितना भी आप मॉइस्चराइजर क्यों ना लगा लो एक दो घंटे बाद वो निकल ही जाता है बॉडी लोशन हाथ पैरों पर लगा लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक दो घंटे बाद ही उसका असर असर जो है वो खत्म हो जाता है और फिर से हमारी स्किन जो है डल ड्राई रूखी सूखी हो जाती है तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में जिनके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन की सारी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा बिना स्किप किए ये वीडियो आप ही के फायदे के लिए है दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूँ दोस्तों सबसे पहली ट्रिक जो मेरी है वो है घी को लेकर अब आप सोच रहे होंगे घी वो भी स्किन के लिए घी तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना नहीं दोस्तों खाने में तो हम इस्तेमाल करते ही है साथ ही आज हम इसका इस्तेमाल हमारी स्किन के ऊपर करने वाले हैं आपको करना ये है कि थोड़ा सा सोने से पहले आप ले लीजिए घी और पैरों के तलवे पर आप घी को लगा लीजिए पैरों के तलवों पर सोने से पहले आप यदि मसाज करते हैं घी की मदद से तो आपको नींद भी बड़ी अच्छी आती है सारी थकान भी निकल जाती है साथ ही हमारे पैरों के तलवों पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी से रिलेटेड होते हैं प्रेशर पॉइंट्स पर यदि प्रेशर पड़ेगा तो बॉडी भी आपकी फ़िट रहेगी पैरों में यदि आप घी से मसाज करते हैं तो नींद तो अच्छी आएगी साथ ही साथ आपके पैर इतने मुलायम रहेंगे कि आपके पैर कभी भी फटेंगे नहीं पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी के पास में कोई बॉडी ब्लोशन या मॉइस्चराइजर तो नहीं हुआ करता था ना वो लोग पार्लर जाते थे हम अपनी स्किन को मेनटेन करने के लिए लेकिन उनकी स्किन कैसी थी वो तो सभी आप जानते ही हैं अब इस घी को हमने अपने पैरों के तलवों पर तो अप्लाई कर लिया इस घी को आपको अपने चेहरे पर भी अप्लाई करना होगा तो घी आप कब अप्लाई करेंगे दोस्तों सोने से पहले घी को अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद रात भर इसे अपने स्किन पर लगे रहने दें। मॉइस्चराइजर से कई गुना ताकतवर होता है घी घी जो है आपके स्किन की लेयर्स के अंदर तक जाकर काम करता है फिर आप चाहें तो उसके बाद नैपकिन को ले लीजिए हल्के गुनगुने पानी में नैपकिन को डिप करके उसको उसका पूरा एक्सेस वाटर जो है वो स्क्वीज़ आउट कर लीजिए और डैप डाप करके अपने चेहरे पर से एक्सेस ऑयल को हटा दीजिए और आप चाहे तो हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं लेकिन अगर लगा कर रखेंगे रात भर तब तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा किसी वजह से अगर आपको घी पसंद नहीं है घी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसका एक ऑल्टरनेट भी मैं आपको बता दूंगी फेस के लिए आप रात को लगाने लगाने के लिए एक बढ़िया सा ऑयल खुद से बना लीजिए चार छोटे चम्मच आप ले लीजिए बादाम का तेल इसी में आपको मिलाना है आधा छोटा चम्मच ग्लिसरीन और एक छोटा चम्मच हनी यानी कि शहद इन तीनों ही चीजों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए अब सबसे आखिरी में आप इसमें मिला लीजिए दो चम्मच एलोवेरा जेल अब ये आपका बढ़िया सा सोल्यूशन बन करके हो गया बिल्कुल तैयार और इस मैजिकल सोल्यूशन से आप मसाज करेंगे अपने चेहरे पर रात को सोने से पहले बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको ये एंटी एजिंग का भी काम करता है दोस्तों समय से पहले आपके चेहरे पर फाइन फाइनलाइन रिंकल्स को आने से रोकता है बस आपको लेना है इस तरीके से अपनी स्किन पे लगा लेना है दोस्तों इन तीनों में से आपको कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी है आसान लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन्हें अप्लाई करके देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों यकीन मानिए तो मेरे बोलने पर अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ट्राई करके देखिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी बस आप जब लगा लेते हैं तो हल्के हाथों से मसाज करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके स्किन पोर्स के अंदर तक जाकर काम कर सके सबसे आखिरी में आप नैपकिन को हल्के गुनगुने पानी में डिप करके उसका एक्सेस पानी निकाल दीजिएगा और इसे इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पर डैब डैब करें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो आप निकाल सके पूरा आपको वाइप आउट नहीं करना है रात भर इसे अपने चेहरे पर लगे रहने दें नेक्स्ट डे दे मॉर्निंग वॉश कर लीजिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर